हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है उषा स्ट्रीट फूड में। आओ, कद्दू की सब्जी किस तरीके से बनाई जाती है, हम नॉर्मल कद्दू की सब्जी घर पर किस तरीके से बना सकते हैं, स्पाइसी सी कैसे बनेगी, और ये खट्टी मीठी सब्जी किस तरीके से बनाई जाती है, घर पर आप किस तरीके से बना लेते हो। आओ मेरी प्रोसीजर के हिसाब से अब मैं आपको बताती हूँ। इसको बनाने के लिए हमने एक ये पम्पकिन लिया है और ये इसको मैंने आधा काट लिया है और इसका जो ग्रीन कलर का जो छिलका है इसको पील ऑफ कर लिया और अच्छे से छोटे छोटे साइजेस में मैंने इसको काट कर रख लिया है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा इसको साफ कर लीजिए। सीताफल की सब्जी घर पर अगर बनाई जाए तो डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प होती है, पेट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। आप जैसे भी खाना खाएंगे, अगर आप सीताफल की ये थोड़ी सी भी सब्जी खा लेते हैं तो आपका जो खाना है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से बनाएंगे हम देखते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें करेंगे ऑयल को गरम। ये ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है और इसमें अब हम डाल देते हैं, ये मैंने मेथी दाना लिया हुआ है, मेथी दाना आप इसमें डाल दें और इसको क्रैक होने दें और इसके अंदर फिर डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, दो हरी मिर्च मैंने डाल दी है और साथ में डालेंगे कटा हुआ प्याज, लंबे आकार में हम इसको काट लेंगे सबसे पहले और इसको लाइट ब्राउन होने देंगे, थोड़े सॉटे करेंगे। और साथ में डालेंगे हम इस टाइम पर कटा हुआ सीताफल जो हमने काट के रखा हुआ था साफ करके, और इसको अच्छे से पकने देंगे यहाँ पर। और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, इसे पेठा थोड़ा सा जल्दी गल जाए। ये देखिए सब्जी ने पानी को छोड़ दिया है और ये ऑलमोस्ट पकने वाली है और इसमें अब हम डाल देते हैं मिर्च और हल्दी पाउडर। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे हम अमचूर पाउडर थोड़ा सा, साथ में डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ी सी मैंने ये ड्राइड मैंगो लीव्स रखी हुई है ये मैं इसमें डाल दूंगी। साथ में डालेंगे हम गरम मसाला और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस सब्जी को इस टाइम पर फिर बहुत अच्छे से पकाएंगे जिससे जितना भी ये पेठा है सीताफल है अच्छे से गल जाए। और इस सब्जी को बनने में आप 1 से 2 मिनट और लगेंगे, आप इसको ढक दीजिए। ये देखिए किस तरीके से ये ऑलमोस्ट बन चुकी है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर 1 चम्मच आप चीनी या मिश्री यूज कर सकते हैं, बट मैं अभी इसमें यूज नहीं करूंगी। आप मिश्री डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा टेस्ट में भी और हेल्थ में भी। फिर ये आपकी खट्टी मीठी पेठी की टेस्टी सब्जी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट तैयार बनकर। अगर आपको मेरी इस तरीके की रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे और मैं दिखा देती हूँ सब्जी किस तरीके से बन चुकी है।
और ये सब्जी जो है आप पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आने वाली है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।